मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो है गाइस, क्या हाल चाल आप लोग का। आज किस वीडियो में गाइस हम कुछ प्रकार से न्यू वीडियो को बनाएंगे। अगर गाइस आप लोग भी इस प्रकार से न्यू वीडियो को बनाना चाहते तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की जो वीडियो हम बनाएंगे एलाइड मशीन एप्लीकेशन की मदद से। अगर गाइस आप लोग एलाइड मशीन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं आप लोग सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे गाइस आप लोग को एलाइड मशीन ऐप का लिंक मिल जाएगी, वहाँ से गाइस आप लोग एलाइड मशीन ऐप का आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए गाइस फिर अंदर वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइस अभी गाइस आप लोग करना क्या होगा, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दो पॉज लिंक दे बीट में आप लोग से की पहले एलाइड मशीन इंपोर्ट कर लेना होगा। जिसका इंपोर्ट कर लीजिए आप लोग एलाइड मशीन ऐप को ओपन कर लेनी होगी। ओपन हो जाने के बाद गाइस आप लोग पॉज पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आप लोग को सॉन्ग बीटमार प्रोजेक्ट आप लोग ओपन कर लेनी होगी। बीटमार प्रोजेक्ट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर गाइस आप लोग कुछ पार्ट से इंटरफेस देने मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को इमेज को जो एड करने से पहले आप लोग को यहाँ पर इमेज को गाइस आप लोग क्रॉप करना होगा। ओके, तो इमेज को जो क्रॉप करने के लिए यहाँ से आप लोग बैक जाने को भी जरूरत नहीं। यहाँ पर आप लोग वीडियो के आप लोग लास्ट पर आना है। लास्ट पर आके आप लोग प्लस पर आप लोग क्लिक करना होगा, फिर से आप मीडिया पर आप क्लिक कर लेने होगी। तो यहाँ से गाइस आप लोग जिसमें से आप लोग वीडियो को बनाना चाहते हो उस वाली इमेज को यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करना। इमेज सेलेक्ट होने फिर से आप लोग सेलेक्ट करके इमेज का आप लोग थोड़ा सा आप लोग बीच पर आना है। फिर से आप लोग थिएटर पर क्लिक करके यहाँ से इमेज को आप लोग फिर कंप्रेसर पर क्लिक करना। ओके, तो फिर से आप लोग यहाँ पर इमेज को आप लोग अच्छा से एडजस्ट करना चाहते हो यहाँ पर आप लोग मूवमेंट ऐसे पर क्लिक करना है। यहाँ से इमेज को आप लोग इधर उधर आप लोग सेलेक्ट कर तो आप लोग अपना हिसाब से कर लेना। जूम करना चाहते आप लोग यहाँ पर तीन नंबर पर क्लिक करके यहाँ से इमेज का आप लोग जूम और आप लोग जूम आउट कर सकते हो। ओके, आप लोग अपना हिसाब से कर लेना। फिर से आप लोग यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर कैसे आप लोगों को शेयर लॉस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कैसे आप लोग करेंट फ्रेम पिंज पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट आप लोग क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कैसे आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ पर जो इमेज का आप लोग सेव करने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर कैसे आप लोग सेव पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से इमेज को आप लोग सेव कर लेना। इसी तरह से कैसे आप लोग 10 से 11 इमेज को आप लोग क्रॉप कर लेना। ओके, मैं जो यहाँ पर आप लोग एक इमेज क्रॉप करके दिखाया तो आप लोग इमेज को क्रॉप कर लेना। इतना हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग बैग आना है। बैग आने के बाद इस वाली इमेज को यहाँ पर आप लोग डिलीट कर देना। ओके, तो यहाँ पर गाइस आप लोग इमेज को जेट करने के लिए आप लोग फ्यास पर आप लोग चलाने मतलब आप लोग पहला आप लोग लेयर पर आप लोग आना होगा। ओके, तो यहाँ पर गाइस आप लोग इमेज को जेट करने के लिए आप लोग को पहला आप लोग लेयर पर आप लोग क्लिक करना होगा। इमेज आप लोग लेयर पर फिर से आप लोग ओके पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग सेलेक्ट मीडिया आप लोग क्लिक करना। ओके, तो फिर से यहाँ पर गाइस आप लोग को इस वाले ऑप्शन आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपना इमेज फोल्डर आप लोग सेलेक्ट करना जहाँ पे गाइस आपका क्रॉप वाला इमेज रहेगा। ओके, तो यहाँ से गाइस आप लोग जिसमें से आप लोग वीडियो को बनाना चाहते हो उस वाली इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर से प्लस पर क्लिक करना है तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास एड हो जाएगा। तो इतना हो जाने में तो आप लोगों को यहाँ से आप लोग आगे आना है। ओके, मतलब आप लोग इस वाली लेयर से आप लोगों को आगे चलाने सेलेक्ट करके तो यहाँ पर आने के बाद गाइस आप यहाँ पर वीडियो का आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा देखना तभी गाइस आप यहाँ पर अच्छा से समझ में आएगी। ओके, लोग इमेज को जो करने के लिए आप लोग फिर से दो नंबर आप लेयर पर क्लिक करना होगा। फिर से ओके पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग सेलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना। ओके, तो फिर से यहाँ से आप लोग नेक्स्ट इमेज का आप एड करना है जिस पर आप वीडियो को बनाना चाहते हो। फिर से प्लस पर क्लिक करना है तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास एड हो जाए। ओके, तो इतना होने में फिर से आप लोगों यहाँ पर आप लोग देख लेना यहाँ पर जो डबल लेयर होगा। ओके, दोनों लेयर पर आप लोगों को सेम इमेज का आप लोग एड करना, ना कि आप लोग अलग इमेज का आप लोग एड करना, आप लोगों को सेम इमेज का आप लोग एड करना। ओके, फिर से आप लोग लेयर पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से ओके पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना। ओके, फिर से आप लोग सेलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आप लोग अभी जो इमेज का आप लोग ऐड किया था उसी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर से प्लस पे क्लिक करना है तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास हो जाएगी। फिर से आप लोग नीचे वाले लेयर पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग ओके पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग सेलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आप लोग सेम इमेज का आप लोग सेलेक्ट करना है। फिर से प्लस पे क्लिक करना। ओके, तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास ऐड हो जाएगी। मतलब आप लोग को एक ही इमेज का आप लोग यहाँ तक आप लोग ऐड करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे जो आप लोग देख लेना डबल बिटमार होगा, यहाँ से आप लोग इमेज का आप लोग चेंज करना। ओके, इस वाली डबल बिटमार से आप लोग इमेज को चेंज करना। फिर से आप लोग लेयर पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से ओके पर आप लोग क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना होगा।
फिर से आप लोग सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना होगा। फिर से यहाँ से आप लोग नेक्स्ट इमेज का अपलोड करना है जिसमें से वीडियो को बनाना चाहते हो, फिर से प्लस पे क्लिक करना है तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास ही हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से कैसे आप लोगों यहाँ तक आप लोग ऐड कर लेना, 20 सेकंड तक आप लोग इमेज को ऐड कर लेना। आप लोग देख लेना यहाँ पर, ओके यहाँ पर आप लोग देख लेना 20 सेकंड तक आप लोग इमेज को ऐड करना। यहाँ पर जो आप लोग देखने मिलेगा टोटल यहाँ पर आप लोग 5 लेयर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग जिस इमेज को आप ऐड करोगे इस वाले लेयर पर, उस वाली इमेज को आप लोग इस वाले नीचे वाले आप लेयर पर आप लोग ऐड करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैं यहाँ पर इमेज को भी आप लोग ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग इमेज को ऐड करना। ओके, इस वाले लेयर पर आप लोग क्लिक करना। ओके, फिर से आप लोग ओके पर आप लोग क्लिक करना, फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना, फिर से आप लोग सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना, फिर से यहाँ पर आप लोग मतलब आप लोग जिस इमेज आप वीडियो को बनाना चाहते हैं उस वाली इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना। ओके, फिर से प्लस पर क्लिक करना तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास हो जाए। ओके, तो आप लोग समझ लेना, मैं यहाँ पर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। फिर से आप लोगों इस वाले आप लोग नीचे वाले लेयर पर आप क्लिक करना, फिर से ओके पर आप लोग क्लिक करना, फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना, फिर से आप लोग सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना, फिर से यहाँ पर आप लोग सेम इमेज का आप लोग सिलेक्ट करना, फिर से प्लस पर क्लिक करना। ओके, तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ पास ऐड हो जाएगी। फिर से आप लोगों ऊपर का जो 4 लेयर होगा इस पर आप लोग अलग अलग इमेज का आप ऐड करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ओके, फिर से आप लोग लेयर पर आप लोग क्लिक करना इस वाले लेयर। ओके, फिर से ओके पर आप लोग क्लिक करना, फिर से आप लोग कालीन पर आप लोग क्लिक करना, फिर से आप लोग सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट इमेज का आप ऐड करना जिसमें आप वीडियो बनाना चाहते हो, फिर से आप लोग प्लस पे क्लिक करना। ओके, तो आपका इमेज यहाँ पर कुछ फंसे जाएगी ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसे आप लोग 4 लेयर पर आप लोग अलग अलग इमेज का आप ऐड करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही यहाँ से डबल इट मार्क खत्म हो जाएगी तो यहाँ से आप लोग को इमेज का आप लोग चेंज करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा मैं जो आप लोग कुछ बार से बता रहा हूँ। ओके, तो मैं जो गाइस यहाँ पर आप लोग एक एक करके दिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो मैं जो यहाँ पर सबसे पहले इमेज को एड कर लेती हूँ, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आप लोग आगे की प्रोसेस बताती हूँ। ओके ओके गाइस, यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, गाइस मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स इमेज को ऐड कर लिया, तो आप लोग यहाँ पर कुछ पार्ट्स इमेज को ऐड कर लेना। ओके, मतलब मैंने यहाँ पर सारी लेयर पर इमेज को ऐड नहीं किया, तो आप लोग सारी लेयर पर इमेज को ऐड कर लेना। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप लोग सिंपल सा बैग आना है। ओके, तो बैग आने के बाद यहाँ पर आप लोग सेव प्रोजेक्ट आप लोग ओपन कर लेनी है। सेव प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर प्लस पर आप लोग क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट ऑल लेयर पर आप लोग क्लिक करना है। नीचे पे एक इमेज रेसिपी का आप लोग आंटी की ला लेना, फिर से प्लस पर आप लोग क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग कॉपी एट लेयर पर आप लोग क्लिक करना है, फिर से यहाँ से आप लोग बैग आना है। बैग आने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पर सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट आप लोग ओपन कर लेनी है। बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग प्लस पर आप लोग क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग पे सेट लेयर पर आप लोग क्लिक करना। ओके, तो इतना करने के बाद बिल्कुल गाइस आपका वीडियो यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पर कुछ बार से बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर गाइस आप लोग वीडियो का आप लोग सेव करने के लिए आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोग शेयर वाला पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर गाइस आप लोग अपना क्वालिटी को सिर्फ आप लोग 720p वाला रख के यहाँ पर आप लोग को एक्सपोर्ट पे आप लोग क्लिक करना होगा, तो आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके, वीडियो एक्सपोर्ट होने के लिए आप लोग का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग कोई भी दिक्कत होती तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाके DM कर सकते हो, या फिर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जो वहाँ पर आप लोग का पढ़ूंगा सोल्यूशन जरूर बता दूंगा। तो मिलते गए फिर से आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, आप लोग अपना ख्याल रखना।